गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं टाइप ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर दे प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग। मींस जिस हिसाब से वो एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस्ड करते हैं, भी शिशु को जन्म देते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि अंडे देते हैं, उस हिसाब से हम दो प्रकार के एनिमल्स डिवाइड करते हैं। एक होते हैं विपोरियस और एक होते हैं ओप्यूरियस एनिमल्स। कौन कौन से? विपोरियस एनिमल्स और दूसरे कौन से होते हैं? ओप्यूरियस एनिमल्स। ठीक, नेक्स्ट देखो, विपोरियस एनिमल्स कौन से होते हैं? विपोरियस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो बेबी को जन्म देते हैं, मीन्स चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, या फिर जो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, जो बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे गाय का बिछड़ा होता है, ठीक है, ऐसी। तो दे आर दोज ऑर्गेनिज्म दे गिव बर्थ यंग वंस। ठीक है, वो यंग वंस को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैमल्स है, मैमल्स का मतलब जो सतनधारी हैं, जो दूध पिलाते हैं, जैसे काऊ है, हॉर्स है, डॉग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है। फीमेल जो होती है, मदर्स जो हैं, वो भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो जो मैमल्स होते हैं, जो सतनधारी होते हैं, वो क्या करते हैं? यंग वंस, मीन्स वो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओपीरियस एनिमल्स। ओपीरियस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो एग देते हैं। देखो इस डायग्राम में दिख रहा है ना कि ये है एग देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, तो दे ले एग्स विच हैच इनटू द ऑफस्प्रिंग। मींस इस एग से ही क्या है, जो है वो बेबी बाहर निकलता है। जैसे अगर मुर्गी का आपने देखा होगा, तो मुर्गी अंडे देती है, फिर उससे जो मुर्गी का बच्चा है वो बाहर निकलता है। तो दे ले एग्स एंड हैच इन द ऑफस्प्रिंग। जैसे एग्जाम्पल है, बर्ड्स है, बर्ड्स भी एग देते हैं, स्नैक है, फ्रॉग है, ठीक है, हैन है, ये सारे क्या हो गए? क्योंकि ये एग्स देते हैं, तो ये कौन से हो गए? ओप्यूरियस एनिमल। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म जो, जिसे क्या है, टैडपोल जिसको बोलते हैं, मीन्स टैडपोल जो, क्योंकि जो फ्रॉग होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के अंदर जो है, जो फीमेल है वो क्या करती है, अपनी एग को छोड़ देती है, और मेल जो है अपने स्पर्म छोड़ता है, और दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो कुछ इस तरह के मीन्स बनते हुए दिखाई देते हैं। तो जो लार्वा से एडल्ट बनना, मीन्स ये लार्वा सा हो गया, छोटे से जो बड़े बनना है, उसको मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। ये फ्रॉग के अंदर ही होता है, ठीक है, फ्रॉग के अंदर। इट इज़ ए सीरीज चेंज दैट लार्वा एंडरगो टू फॉर्म ऑफ एन एडल्ट। मीन्स एक लार्वा से लार्वा, क्योंकि जो फीमेल जो फ्रॉग होती है वो क्या करती है, एग वाटर के अंदर छोड़ देती है, और जो मेल होता है वो अपने स्पर्म और उन दोनों से कॉन्टैक्ट में होके मीन्स वो क्या बनते हैं, लार्वा। तो लार्वा से जो एक एडल्ट जो फ्रॉग बनता है उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, ये तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि जैसे ये मेल सिल्क और ये फीमेल सिल्क दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं, और क्या करते हैं, जो एग है वो रिलीज करते हैं। ये जो लीव्स आपको दिखाई दे रही है, उसको हम जो है सहतूत की पत्ती जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मलबरी लीव्स जिसको बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, मलबरी लीव्स के ऊपर मीन्स अपने एग छोड़ देती हैं, फिर उससे क्या होता है, सिल्क वॉर्म बनता है। उस एग से, अंडे से क्या निकलेगा, सिल्क वॉर्म। फिर कुछ इस तरह का कोक्यून दिखाई देगा, फिर कोक्यून डेवलप होगा, और इसमें से मीन्स वो मोथ सिल्क वो मोथ निकलेगा, जो कीड़ा है, और फिर इस तरह से ये प्रोसेस है, ये लाइफ साइकिल है, वो चलता रहता है। ये आपने पढ़ा हुआ भी है सेम। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग से कैसे बनते हैं, जैसे पीछे मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या है, जैसे एग, ये एग डेवलप करेंगे, जो फीमेल फ्रॉग है वो क्या करेगी, एग देगी, फिर उससे क्या बन जाएगा, टैडपोल बनेगा। इसी को, इस जो सारा प्रोसेस जो हो रहा है ना, इसी को मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। दिस नीचे लिखा हुआ भी है कि मेटामॉर्फिज्म इन फ्रॉग। तो पहले एग, फिर एग से क्या बना, टैडपोल, फिर थोड़ा सा बड़ा बनेगा, और फिर एक एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फिज्म।